मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं नैयर जलालपुरी साहब को बुलाऊं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि हिंदी उर्दू का अभिनंदन करे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का पुराना रजिस्ट्रार आज के हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट को बुलाए, मैं इसलिए भी खड़ा हुआ हूं कि आप अभी जो आप अर्ज शाकरी साहब को सुन रहे थे, इसके पीछे भी सलाउद्दीन साहब की मेहनत की एक बड़ी कहानी है। ये कल लखनऊ दिल्ली एयरपोर्ट पे कहते रहे कि मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है, पर ये आ नहीं पाए, कल सुबह से चले थे और किश्तों किश्तों में आए तो इतनी बखूबी आए कि ये माहौल उनके लिए जोरदार तालियां बजा जाए। मुझे बच्चन जी की वो बात याद आती है कि मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला, इतनी पी जीने से अच्छा सागर कीले प्यास मरूं, सिंधु बराबर प्यास हमारी बूंद तुम्हारी मधुशाला। ये जो प्यास छोड़कर चले गए अजमेर शाकरी जी, इस प्यास को प्रणाम करिए, अपने अंदर रखे रहिएगा, फिर मिलेंगे अजमेर जी। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ जलालपुर की धरती से जो हमारे बीच नैयर साहब हैं, कल से हमारे अभी बैठे रहिए सर, नैयर साहब कल से हमारे बीच में हैं और अवध की धरती से आ रहे हैं, हमारे सलाउद्दीन साहब भी उसी इलाके से हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जगदम्बिका पाल भी उसी इलाके से हैं। तो किसी ने एक बार तुलसीदास जी से पूछा कि इतनी बड़ी रामायण तुमने लिख दी छोटी सी घटना पे, ऐसा क्यों किया? तुलसी ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैंने गाथा लिखी। फिर एक उस इलाके के गडरिये से पूछ लिया गया कि तुमको पता है रामचरितमानस क्या है, तो उसने जो बात लिखी कि एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बाभन ना, एक एक कर त्रिया चोरायस दूसर उपस वास करायस तनिक तनिक सी बातन ना, ये तुलसिया लिखलेस पोथन ना। तो कविता वो भी है जो गडेरिया लिखता है गाय चराते हुए, कविता वो भी है जो रामचरितमानस लिखी गई। और इन पूरी कविताओं का जो व्यापक प्रस्ताव है, जो आपका विस्तार है, उस विस्तार को बड़े तरीके से रखने वाले हमारे नैयर जलालपुरी जी, आइए उनका जोरदार ताली से स्वागत करें, वो आके अपना कलाम पेश करें। नैयर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी। मैंने अपने आप से यह अहद किया था कि मैं बहसिया शायर नहीं पढ़ूंगा, एक बजे तक का हमारा वक्त है, 45 मिनट कम से कम हम नवाज़ भाई को सुनेंगे, मगर 5 मिनट मैं नवाज़ भाई की पेशखानी कर लूं। और डर इस बात का भी है कि अखिलेश मिश्रा जी जो हैं वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रार रहे हैं, पता नहीं कब वाइस चांसलर बन के आ जाएँ, तो मुझे भी अपने भविष्य का मामला है, तो ज़रा सा फरहान भाई आप जानते हैं तो मैं ज़रूर मानूंगा आपकी बात। तो ज़रा सा बचपन में हम लोग जैसी शरारतें करते थे, मैं पेश कर रहा हूँ कि अजीब चोट थी, सलाउद्दीन भाई सिर्फ मतला है गज़ल का, अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, अजीब चोट थी, नवाज भाई आपकी पेशखानी कर रहा हूँ, अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में, अजीब चोट थी, देखिए आपको भी कुछ ऐसे हालात हो गए थे अजमाई, अजीब चोट थी दिल आज तक है मेरा भाई, अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। एक मतलब और, आप लोग बहुत आज तालियां बहुत बजाई आपने, और जाहिर सी बात है ये जो गैप है इसको भी आपने कवर किया है, तो चार चार पांच पांच लोगों के हिस्से की तालियां आपने बजाई हैं। तो मैं एक मतलब पेश कर रहा हूं कि ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा, ताल्लुकात मुझे भी आने लगा, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा, अब एक हाथ से मैं, अब एक, अब दो मतलब, एक मतलब और एक शेर, थोड़ा थोड़ा बढ़े, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक मतलब एक शेर मैं दिया हूं। देखिए ऐसे हालात हुए कि दो महीने तक टालना पड़ा, मुशायरा हो ना हो, टू डू और नॉट टू डू, मगर हुआ क्या कि हो के रहा ना, देखिए, और जब हो के रहा तो अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मतलब और एक शेर, सलाउद्दीन भाई आपकी नज़र और इस मुशायरे की नज़र, लाल किले से लेके दुबई तक की ये जो रिवायत है जनाब सदर की नज़र, मैं दिया हूँ मुझे बुझाएगी,
आप शेल्टर बने हुए हैं इसलिए लहजा बुलंद हो रहा है मेरा। मैं दिया हूं मुझे बुझाएगी ऐ हवा सांस फूल जाएगी। मैं दिया हूं मुझे बुझाएगी ऐ हवा सांस फूल जाएगी। मुशायरा हुआ, रेत का घर नहीं जो ढह जाए, रेत का घर नहीं जो ढह जाए, मेरी तहजीब मिट न पाएगी। रेत का घर नहीं जो ढह जाए, रेत का घर नहीं जो ढह जाए, दुबई के रेगिस्तान में पढ़ रहा हूं शेर, रेत का घर नहीं जो ढह जाए, मेरी तहजीब मिट ना पाएगी। हमारे शकील खान साहब, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने अभी एक स्लिप भेजी कि कभी इन्होंने मुझे यहाँ मुशायरे में बुलाया था तो वहाँ मैंने गज़ल पढ़ी थी, तो एक शेर के लिए कह रहे हैं तो एक मतलब और दो शेर पेश कर रहा हूँ। अब जैसा भी होगा वो बैठे हुए हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ शेर के, नए ऐवान उठते हैं पुराने ढाए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्यों पढ़वा रहे हैं, भारत में जो कुछ हो रहा है मैं पेश कर रहा हूँ। नए ऐवान उठते हैं पुराने ढाए जाते हैं, सियासत के खिलौने दे के दिल बहलाए जाते हैं, सियासत के खिलौने दे के दिल बहलाए जाते हैं। और ये मुशायरा लाल किले में 26 जनवरी का जो मुशायरा है ये उसी की रिवायत को एक्सटेंड करते हुए, एक्सेलरेट करते हुए सलाहुद्दीन भाई ने यहाँ मुशायरा कायम किया, लेकिन वहाँ सरकारी बजट से होता है, यहाँ दुबई वालों की दिल की धड़कनों से होता है, और उन धड़कनों को एक जगह समेटा जाए तो फिर वो एक सीना बनता है और उसके ऊपर जो नाम लिखा है वो सलाहुद्दीन का है। शेर पेश कर रहा हूँ, नजर है लाल किले पर तो ये भी ध्यान में रखना, नजर है लाल किले पर तो इतना ध्यान में रखना, नजर है लाल किले पर तो इतना ध्यान में रखना, नजर के सामने बेटों के सर भी लाए जाते हैं। नजर है लाल किले पर तो इतना ध्यान में रखना, नजर के सामने बेटों के सर भी लाए जाते हैं। रंगून के उस मुगलिया सल्तनत का आखिरी चराग उसकी नजर, ये शेर, नजर है लाल किले पर तो इतना ध्यान में रखना, नजर के सामने बेटों के सर भी लाए जाते हैं। नई आंखों पुराना खेल है पर्दा तो उठने दो, नई आंखों पुराना खेल है पर्दा तो उठने दो, नई आंखों पुराना खेल है पर्दा तो उठने दो, वही पहले के सब किरदार फिर दोहराए जाते हैं। हाँ, याद आया, वो मुशायरा याद जोश में था तो ये जोश मलिहाबादी की ज़मीन में ये थी, तो एक मिसरे पे मैंने मक्ते में तज़मीन की थी और आपके भतीजे असमत साहब मेरे साथ आए थे, तो मैंने शेर कहा था कि मिले असमत से हम नैयर तो अक्सर याद आया अभी पहली, मिले असमत से हम नैयर तो अक्सर जोश याद आए, अभी पहली शराफत के नमूने पाए जाते हैं, अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि बस आखिर में एक गज़ल के पांच सात शेर पेश कर दूँ। लफ्ज़ ये भी, ये जोश साहब की ज़मीन थी और ये जो ज़मीन है ये तो बहुत पुरानी है, बहुत लोगों ने कही है, मगर एक तालिब इल्माना कोशिश है, असातिज़ा की ज़मीनों में शेर कह लेना भी एक जसारत भी है। और अर्ज कर रहा हूँ, लफ्ज़ दर लफ्ज़ ख्यालात तुझे छू आए, लफ्ज़ दर लफ्ज़ ख्यालात तुझे छू आए, क्यों ना मेरी गज़ल से तेरी खुशबू आए। और आपने करीब आने की बात कही, अब इससे ज्यादा मैं आपके करीब कैसे आऊं। काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, क्या बात है, काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, मैं चलूं तो मेरे साये की जगह तू आए, काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, मैं चलूं तो मेरे साये की जगह तू आए। इश्क के भी अदब आदाब हुआ करते हैं, इश्क के भी अदब आदाब हुआ करते हैं, गुफ्तगु तुझसे करे वो जिसे उर्दू आए, इश्क के भी अदब आदाब हुआ करते हैं, गुफ्तगु तुझसे करे वो जिसे उर्दू आए। आइए अब पुराने देश की तरफ चलते हैं, वो भारत याद कीजिए, वो सिलबट्टा, और आज तो आप उस नए माहौल में जी रहे हैं। मैं नजर कर रहा हूँ यहाँ सास भी हैं और बहुएं भी, माँ भी हैं और बेटियां भी। शेर पेश करता हूँ, किस कदर जहर हैं भाभी ये शेर,
किस कदर जहर हैं ये सास बहू के झगड़े, किस कदर जहर हैं ये सास बहू के झगड़े, सिल के नीचे से निकल कर कई बिच्छू आए, सिल के नीचे से निकल कर कई बिच्छू आए, कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने, कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने, हैंड पाइप से भी पानी नहीं बालू आए, हैंड पाइप से भी पानी नहीं बालू आए, हैंड पाइप से भी पानी नहीं बालू आए, जिसकी पाजेब ने महलों को जगा रखा था, जिसकी पाजेब ने महलों को जगा रखा था, उसकी तकदीर में टूटे हुए घुंघरू आए, उसकी तकदीर में टूटे हुए घुंघरू आए, ये शेर पेश कर रहा हूँ गजल का, उसकी तकदीर में टूटे हुए घुंघरू आए, उसकी तकदीर में टूटे सोने चांदी के निवालों से उसे क्या मतलब, जैसे किछोछे वाले की जो निवालों से उसे क्या मतलब, संत की जमीन है वहां से मैं शेर उठा रहा हूँ, सोने चांदी के निवालों से उसे क्या मतलब, लेके खुद अपने अंगोछे में जो सत्तू आए, सोने चांदी के निवालों से उसे क्या मतलब, सोने चांदी के निवालों से उसे क्या मतलब, लेके खुद अपने अंगोछे में जो सत्तू आए। गजल जरा सा सख्त काफिये नहीं बर्दाश्त करती, सत्तू का जवाब नहीं कर रहा हूँ, बाहरी कोई भी दुश्मन मेरा कुछ कर ना सका, बाहरी कोई भी दुश्मन मेरा कुछ कर ना सका, मारने मुझको मेरे घर के ही चाकू आए, बाहरी कोई भी दुश्मन मेरा कुछ कर ना सका, मारने मुझको मेरे घर के ही चाकू आए, रात भर रात भी रूठी रही मुझसे नैयर, रात भर रात भी रूठी रही मुझसे नैयर, नींद मांगी थी मगर आंख में आंसू आए, नींद मांगी थी मगर आंख में आंसू आए।